तू अपने रास्ते में, अपने रास्ते। थैंक्स टू गॉड कि हम लोग, मैं और यशी नहीं थे उस कार में, वरना तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। ओए लखनीत। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आपको पता है हमारे कितना खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी कल ही न्यू कार आई है। इसी खुशी में मैंने आज सुबह सुबह मंगाए थे लड्डू, क्योंकि कल शाम को जब हम पूजा वूजा की थी तो सारी मिठाई खत्म हो गई थी। तो पहले तो मैंने भगवान जी को चढ़ाया, उसके बाद इस पे सारा हक आपका है और फिर बाकी लोगों का। तो आज आपको पता ही चल गया होगा, नीतू ने अगर बता दिया होगा। वैसे आपको अंदाजा तो था ही कि हम लोग ट्रिप पे जाने वाले, मैं, नीतू, सूरज, यशी और टीपू भाई। तो आज बहुत मजा आने वाला है आप सबको। फिलहाल नीतू का फोन आया कि हमारे गुच्चू का उसकी मसाज हो रही है। देखो, गुच्चू ने भी मिठाई खा ली और पूजा भी कर ली। देखो, टीका लगाया मैंने गुच्ची की। आज मैंने गुच्ची की वैन लगाई है गुच्ची को नहलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि हर वीक मैं उसको नहला रही हूँ। उसके नेल्स काफी ज्यादा बड़े हो गए थे, तो मैंने आज उसकी वैन बुलाई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, देखते कैसे मैं फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ। गुच्ची की वैन आ गई है गुच्ची को नहलाने और ये बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बाय गुच्ची, मिलते हैं थोड़ी देर में। गुच्ची, गुच्ची। जब तक गुच्ची का बात चल रहा है तब तक मैंने सोचा मैं भी क्या करूंगी, मैं पार्लर चलती हूँ और कुछ करवाती हूँ, तो मैं करवा रही हूँ पेडीक्योर। यार आज मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक तो बहुत लेट तैयार हुआ, ऊपर से मेरी पैकिंग देखो, बैग भी ऐसे ही रखा है, अभी तक कुछ भी पैक नहीं किया है मैंने। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता मेरे से सब लोग लेट हो। हम जितना जल्दी वहाँ पहुंचेंगे उतना ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे ब्लॉग्स दे पाएंगे। एज यूजुअल मेरी अलमीरा आपको ऐसे ही मिलेगी, अब इसमें से मुझे कपड़े निकाल ले। आधे कपड़े मेरे इधर रखे हुए, आधे नीचे वाले बेसमेंट में रखे हुए हैं। ये तो मैं पहनूंगा ही पहनूंगा, इसमें से देखता हूँ। चलो बेटा आप तो जा ही रहे हो, बाकियों का देखता किस किस का सिलेक्शन होता है। थैंक गॉड टाइम पर मेरा सामान पैक हो रहा है, मतलब मैं तो जा रहा हूँ अभी सूरज और यशी और नीतू के पास, और सामान यहाँ पर पैक हो रहा है, मम्मी करवा रही है। बाद भाई गुड मॉर्निंग, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ खाना बना देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी नई नई गाड़ी में नए नए ट्रिप पर पूरा सामान रखा जा चुका है, और अब जी मैं ले जाऊँ, आप इसको ले जाओ, जा रहा हूँ भाई मैं, आशीर्वाद दो। हाँ ये सर्विस तो हो जाएगी ना। हाँ इसीलिए भाई 1000 किलोमीटर वाली हो जाएगी। हाँ। फिर भाई एक बार से आप लंबी ट्रिप पे ले गए फिर आप मुझे बताना, और फिर अगर आपको कंफर्टेबल लगी तो फिर मुझे लेक्सस दे देना। कल ही लंबे ट्रिप पे भेज दूंगा, ठीक है। फिर लेक्सस की चाबी मुझे दे देना, ठीक है। लेक्सस वाला नहीं, लेक्सस वाली आ जाओ, आओ बम्मू, बम्मू बाय बाय। और अभी जो सरप्राइज है वो वाला बता दो वेंसडे वाला लोगों को। अभी नहीं है, धीरे धीरे करके बताऊंगा सारी चीजें। चलो मैं ख्याल रखना, ठीक है। मुझे बिना बात ही बीमार मत कर दिया, लेकिन कैसे ऐसे कुछ अलग है। राजी खुशी में पूछ लगा मम्मी की तबीयत खराब है यार, मम्मी मानती है मम्मी बीमारी रहे। नहीं नहीं मम्मी के क्या है ना, मैं आवाज से बता देता हूँ, जब मैं बाहर होता हूँ और मैं फोन पे बात करूंगा कई बार इनकी आवाज जब डल होती है तो मैं बता दूँ बीमार है। ख्याल रखना, ठीक है, बाय। जाऊं बाय। नीतू भी बिल्कुल सही टाइम पे आ गई, क्योंकि मम्मी यहाँ से निकल रही हैं बुलंदशहर के लिए, और नीतू मम्मी का आशीर्वाद लिए बिना तो जाएगी नहीं। आ जाओ मम्मू, आ गई, आपका आशीर्वाद लिए बिना थोड़ी जाएंगे यार। ओहो परम सुंदरी, धूप लग रही है। नमस्ते मॉम। नमस्ते। कहाँ जा रही हो? वो बुलंदशहर जा रही है, तू तो यहाँ जैसे मिली जाएगी। आज मम्मी का बहुत प्यार उमड़ रहा है इस तरफ पर। मम्मी कह रही कुफरी उफरी चले जाओ कहीं, तो 4 दिन बाद इधर को आओ, फिर बनाओ तो कहीं घूम आओ ना, जा ही रहे हो। ओके मॉम, भाई निकल गए यार, अर्जेंट था उनको थोड़ा सा, बुलाया क्यों नहीं, नहीं तो अर्जेंट था। चल कोई नहीं, निकल रहे हम, बाय मम्मी। देखो गोलू को मिठाई खाने की हो रही है, और मैं अब यहाँ पर सबको आई हूँ मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी काफी स्टाफ बड़ा है। दे रही हूँ भाई। तो गाइस अब मैं आ गई घर पर, अब मैं बांटूंगी मिठाई, काफी बच चुकी है, लीजिए भैया गाड़ी की खुशी में। ओके अंकल दे आना, और कौन कौन है देख रहा है, हमने गाड़ी लिया है भाभी भैया, इसलिए आप मिठाई खाइए और अपने लिए कुछ और भी खाइए। ये लीजिए बेटा मिठाई खाइए। हमारे गाड़ी आई, हम देख रहे हैं हमको नाम मिलता हर गाड़ी पे, हम लोग जा रहे हैं और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। इसको भी लेके चले, सॉरी यार, देखिए कैसे होता है, और देख ऐसे बैठता नहीं है कभी, काटने लगता है वरना। सॉरी। तो गाइस फाइनली हमारी एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी शुरू होने वाली है इन सब बंदरों के साथ। अभी अगर कैमरा गिरता ना, अच्छा तेरे पास तो है ना आईफोन, तो मैं तो कर लेता चेंज भाई इसको। और नीतू सबको वेट कराती है, आज हम उसको वेट करा रहे हैं नीचे, नीचे खड़ी है, तो भूल ही गए कि नीचे, ये तो फोन भी नहीं उठा रहा बहुत देर से, देखिए क्या कर रही है। आओ अभी आपको सुनवाते हैं अच्छी अच्छी सी
वो तो गाड़ी के अंदर बैठी मजे से यार। अरे बाप रे कितना सामान है यार। ओ माय गॉड, नए नए फोन में व्लॉग बन रहे हैं। ये ब्रो, यू रेडी फॉर द ट्रिप? यस, लेट्स गो। सब आ गया भाई, बाय। खाना खा के जाना, ठीक है? ओके, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय यार, अब हम निकलते हैं अपने अपने रास्ते, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, देखते हैं कौन ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है? और सुन, तो मैं आपके पीछे पीछे आ जाता हूं। 5 सितंबर को यही मिलेंगे, ठीक है? याद रखियो। आएगा, लगाएगा बैट? टीपू भाई याद रखना, आपके सामने चैलेंज हुआ है, ठीक है? आ जाओ। ये नई गाड़ी की पहली ट्रिप, हमारी नई गाड़ी की पहली ट्रिप। कल आई और आज ट्रिप पे नहीं जा रही है। ये तो पूरा प्लान था भाई, रैंडम बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? आ जा जल्दी आ। सो गाइस, मेरे पास है चॉकलेट्स जो कि मेल्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसका क्या करूं? तो हमारी कार में है एक मिनी सा फ्रिज जिसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, और अभी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या क्यों नहीं दिख रही? मैं लगन को ये अभी हटाने के लिए मना कर रही थी, रैप रिफ्लेक्शन पड़ रहा था ये तो वहां पे। अच्छा लग रहा था, रिस्क नहीं ले सकते यार, न्यू वाला फील आ रहा है। बाकी की चीजें कुछ टाइम तक आने दो ना। पिन्नी अभी हटा दी पूरी कार में, बस लास्ट वाली सीट पर है गाइस। वो भी हटा तो नहीं थी? नहीं अभी नहीं हटाई। और बहुत अच्छा फील आ रहा है, पहली ट्रिप हमारी नई गाड़ी में, और इसीलिए ली थी हमने कि हम इस पे ट्रैवल करा करेंगे, ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे, ट्रिप्स किया करेंगे। अमेजिंग यार, बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में यार। अभी सूरज ने इतना अच्छा आइडिया बताया है कि हम हाईवे पे गाड़ी चेंज कर लेंगे, आई मीन मैं कार चलाऊंगी। लगन मुझे यूजुअली गाड़ी देती नहीं अपनी चलाने के लिए, मगर अब देनी पड़ेगी क्योंकि सूरज में। थैंक यू सूरज, सूरज मेरा एक सच्चा भाई है, अच्छा भाई है। तो इधर प्लान में थोड़ा चेंज है, जैसे कि नीतू ने बताया था, सूरज का और यशी का और नीतू का, तीनों का प्लान है कि अब गाड़ी नीतू चलाएगी, मैं जा रहा हूँ अपने भाई सूरज के पास। तो भाई नीतू, और देखो शूज उतार के बैठी हुई थी पागल, जैसे भंडारे में आई हो। ठीक है आजा, अब तेरी चांस। बहुत अच्छा करा तूने, बाय 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 दोस्तों। क्या एक्सप्रेशन देंगे। मैं आ गया हूँ साइड में। हाय ब्रो, क्या हो गया? चला लो यार कार। मुझे महाभारत का कैरेक्टर याद आता है। सीट सेट कर लेना आपके हिसाब से। हाँ ठीक है, तुझे देख के ना मुझे महाभारत का कैरेक्टर याद आता है, शकुनी। अरे तू शकुनी है, इतना चालाक है, पहले से पहले वहाँ बैठा हुआ है। वैसे सही बताओ ना, एक चीज तो ये गाड़ी ज्यादा मतलब ऐसे कंफर्टेबल है, और दी के साथ कंपनी मुझे थोड़ी अच्छी मिल रही है। वो लोग मुझे बात नहीं करते। सूरज तो स्टूपिड है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सूरज, मैंने सेम चीज बोली उसको, मैंने कहा सूरज यार मैं नेल्स नहीं करवा, पे नहीं कर। अच्छा बढ़िया, तो चल। मैंने कहा तुझे नहीं पता मेरे वीडियो बनने हैं, सुनता नहीं, वो नहीं सुनता इन चीजों को। लड़कियां समझ पाती है, अच्छी बात है। उस गाड़ी में चले गए भैया। दी मुझे कह रही है कि ना अभी लखन भैया को तक तक हो रही होगी क्योंकि ये न्यू कार है, और दी इसको लाइक देखो मुझे देख भी रहा है वो, मतलब सामने कम देख के इधर ज्यादा देख रहे, सामने देख लो पता चले आप लोग ठोक दिए, हम लोग मस्त चला रहे हैं। नहीं वैसे मुझे तो मजा आ रहा है दी के सामने, बहुत मुझे लग नहीं रहा है कोई अलग से डिफरेंस। दीदी आपको ऐसा लगता है अपन को बहुत ज्यादा मतलब वो करते हैं अंडर एस्टिमेट? हाँ, लड़कियों को ज्यादा ही किया जाता है। मेरे को पता है सूरज ऐसे हर्ष मुझे सिखाने लेके जाता है गाड़ी, तो हाँ। सूरज लाइक मैरिज होगा तेरे साथ कभी, और लिटरली मेरे साथ आज तक नहीं बैठा। हाँ। नहीं बैठता वो, सो रॉन्ग, ये गलत बात है। हाँ। हमने अगर कुछ किया हो तो फिर हमें बोलो, हमने कुछ किया ही नहीं अभी तो। अभी ना क्या सही वाली चोटी हम लोगों के साथ, और अभी हमारे को आगे डांट पड़ने वाली है उन मैडमों से। एक्चुअली क्या हुआ, इस हाईवे पर जिस पर हम है ना, यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। तो क्या एक कट दिखा वहाँ से, हम लोग बोले कि तुम लोग यहाँ ऊपर ही रुको, हम नीचे से आके कुछ पानी की बॉटल्स वगैरह वो सब ले आते हैं, क्योंकि अभी 3-4 घंटे की जर्नी है। तो हम नीचे गए, अब हमने गूगल मैप से वापस रिटर्न का जब डाला ना, अब थोड़ा सा क्या हम अंदर चले गए। क्या कह रहा हूँ जाते ही बता दिया, तुम्हें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ, एक गाड़ी पीछा करने लगी हमारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन किधर से रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको दिखलाने की, हम कुछ और हम ट्राई कर रहे हैं उनके पास जाने की, और उनको पता नहीं क्या हो रहा है। जाना ऋषिकेश था, और हम हर जगह से हर जगह जा रहे हैं यार। ये देखना इसका कितना छोटा सा और वो भी इसी एक्सप्रेस वे पे है, दूसरी साइड से वो आ रहे हैं। तो हम लोग रुक गए एक जगह, और वो हमसे पीछे हैं अब, और 5 या 2 मिनट में दोबारा जो मन करेगा, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो गई एक तरीके से, अपन दिमाग में ये लेके चलना है। अब हम उतर रहे हैं, थोड़ी सी गाड़ी वाड़ी चेक करेंगे, हम बोल रहे हैं कि भाई पत्थर वत्थर मार दिया किसी ने ऐसा करके। क्या गलत किया? और जो हमारे साथ हुआ तुम सुन के क्या हुआ?
हम इतना लेट क्यों हुए भाई, भयंकर सीन, भयंकर। और पीछे लगा दी गाड़ी उन्होंने, मतलब कार में से, कार में से, और उस टाइम हम भगा रहे थे वहाँ से। Oh, यार ये सब बातें सुनकर मैं तो मतलब बिल्कुल ही शॉक रह गई हूँ। मतलब मेरे पास कोई कोई बात नहीं, सीट बेल्ट लगा ले पहले। यार मैं अभी भी डरी हुई हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कैसे। बट थैंक्स टू गॉड कि हम लोग, मैं और यशी नहीं थे उस कार में, वरना तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक यू सो मच भगवान। लगन तुम्हें अभी भी डर लग रहा ना, लगन के भी बोल रहे की हार्ट बीट बहुत तेज। किसी को भी डर लगेगा यार, मतलब ऐसे ऐसे भी कर रहे थे विंडो के पास। कैसे हमारी विंडो पे थोड़ी कर रहे थे यार, तो अपनी गाड़ी का शीशा डाउन कर कैसे कर रहे थे, चलती गाड़ी में मेरे विंडो पे कैसे लटक जाएंगे वो। नहीं मुझे लगा तुमने बोला कार आगे लगा दी, तो मुझे लगा भाई आगे लगाई, पहले तो ऐसे देख रहे हैं, हम घूर रहे हैं, उसके बाद फिर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं। कितनी सुंदर जगह है और मन करा यहाँ पर उतर के वीडियोस बनाए जाए, लेकिन टाइम नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है और इतनी गंदी धूप है। सो प्लान चेंज। लगन 5 मिनट ही खत्म नहीं हो रहे तुम्हारे, कहाँ पर खाएंगे खाना? 5 मिनट खाना तो भूख तो नहीं लगी, मगर सुसु जरूर लगी है। लगन कहीं रोक दो यार प्लीज, साइड में कराएगी कहीं पे, पागल हो? तो फिर अच्छी जगह रुकूंगा ना यार। सो फाइनली द वेट इज ओवर। जो जगह हमने चूज की है रुकने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है, इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। और इस जगह में ना बहुत सारी चीजें है करने को, नहीं लग सो? अरे आपके पास भी ऐसा बैग है लेडीज बैग? भाई मैं भी ऐसे रखता हूँ, देखो मेरे वाला ज्यादा लेडीज है यार। यार ये भी कम नहीं है, हम दोनों की वो जान चुके हो गए। अब ये नया फैशन है गाइस, तो आप समझ जाओ। ऐसा नहीं है क्या? फैशन है कि तो फॉलो करो ना। ऐसा नहीं है कि हमने कोई डर दबाव में लिया है, नहीं हमने अपनी मर्जी से लिया है, पता मर्जी से। दीदी अभी मंजिल बहुत दूर है अपनी, मंजिल तो पास हो जाए। यशी यशी राइट? नो सॉरी। अरे सर अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ यशी पता? Yeah. मैंने इसका बैग पकड़ा हुआ, तो मैं कह रहा मेरी हालत कैसी, मैं सूरज को दिखा रहा, मैं सूरज देखियो, मैंने देखा सूरज के हाथ में वाला बैग है। क्या बताऊँ, हम दोनों ही बेचारे एक ही नाव में। यार अच्छी जगह यार बहुत ही है। क्या खाने वाले अपन? अरे अपन क्या, अपन क्या खाने वाले? क्या भाई आगे ना क्रीम वाला रेस्टोरेंट है, हाँ भाई बहुत अच्छा खाना, भाई टेस्टी, वहीं चलते हैं। मुझे लगा ठीक है खाना खाने की जगह है ना, मेरा मन कर रहा है ये सब खाऊं, उल्टी सीधी चीजें खाना। आप लोग खाओ, तू नहीं खाएगा? मैं स्ट्रीट फूड जाके आता हूँ टीम भाई के साथ। इसमें क्या हुआ? अब हम कर रहे हैं लंच प्लस स्नैक्स, ठीक है? तो क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे खाना खा रहे, बकवास नहीं। हम आए हैं लंच करने गाइस, ये लंच है क्या है ये? गाइस एक बात है, हम सब में से पढ़ी लिखी ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की है, ये तो इसका बड़प्पन है, ये इसका बड़प्पन है, ये अपने आप को मानती नहीं है। और हम ले लेना मेरे लिए, तो कुल्फी लेके ऐसे खड़ा रहूं इतनी गर्मी में। ए मियां सुपारी मत लेना हमारी यार, हम सुपारी खाए हैं, तुम बता दोगे क्या सबको? हाँ छुट्टी हो गई। दन, दन, दन। अरे स्ट्रीट फूड तो पीछे लिखा हुआ था ना, ये रहा ये रहा। भाई फलूदा कहाँ मिलेगा इसको, टिपू को खाना है। चलो चलो चलो, आप नीतू दी आपका खा रहे हो? नीतू भाभी एक भगवान, इस जन्म में तो मैं इनको दीदी और भाभी के बीच में पता नहीं क्या क्या। आइसक्रीम है यहाँ मिल जाएगी, छोले भटूरे है। अरे यार क्या क्या है, मैं सोच रहा तो अच्छा भाई का भी बोतल ले थी, मैं तो उधर को लेता हूँ कुल्फी। अरे मिल गई, मिल गई, क्या मिल गई कुल्फी? मिल गई। अच्छा ये आप दूसरे को इसलिए दिला रही थी कि दोनों टेस्ट कर सको। ये हम आगे अपनी फेवरेट लोकेशन पे, और थैंक गॉड कि नीतू ने जिद नहीं की, क्योंकि पीछे ना वो मटके बनाने वाले ही होता है, वो जो बनाते हैं मिट्टी से मटके। भाई ये मेरा वाला आ रहा है, इसको मत छुइयो ठीक है, पकड़ो पकड़ो इसको।
अब ये तेरी हो गई, मैं बता रहा हूँ ना, इस पे आई नहीं गई, तेरी हो गई। ये कौन सा फ्लेवर है, ये कौन सा फ्लेवर है? बनारसी पान। बनारसी पान, बनारसी पान, बनारसी पान ट्राई करो। क्या कर रहा है भाई, खाना? इसका क्या कर रहा है? हमसे पूछ रहा उल्टा। यार आप कितनी अच्छी हो ना, आप कैसे सबको दे देती हो अपनी सारी चीजें। सुनना, आगे जाओ, आगे जाओ, दी 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 कार। अभी तक मन नहीं था खाने का। हाँ बेकार है यार, सीरियसली मैंने मारना, लेकिन तो नहीं मारना। वो आंटी इतने प्यार से बोली, बहुत टेस्टी होगी। हम पहुंचे हैं हर की पौड़ी, हरिद्वार में, और ये बहुत सुंदर सिटी है। डेढ़ घंटे का है, नहीं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से लखन, सुबह जल्दी उठा करो। मैं ऑलमोस्ट सो ही गई थी यार, आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूं, लाइट कैसे चलेगी। मुझे ना बिल्कुल भी थकान नहीं हुई इस कार में, बिल्कुल भी नहीं, मजा आ गया। बस नींद आ गई अच्छी वाली है ना। नींद बहुत अच्छी आई। चलो अब नींद उतर गया जल्दी से। गाइज हम आ गए हैं बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस में। मुझे बाहर से नाम है बीजापुर गेस्ट हाउस। मुझे बाहर से बड़ा सुंदर लग रहा है, लखन ने बोला अंदर से भी काफी सुंदर है। अब देखते हैं, हमारे साथ ही आ रहे हैं वो, और दोनों की बैटरी डाउन, दोनों कन्याओं की, नीतू की भी और यशी की। बहुत नींद आ रही है। यशी, यशी ने मेकअप नहीं किया था तो यशी को तो, यशी मुझे तो मेकअप ही रिमूव करना है यार। ये है हमारा गेस्ट हाउस, इसको गेस्ट हाउस ही कहते हैं ना। गेस्ट हाउस। सूरज कैसा लगा? तमीज से बात कर रहा हूं। सूरज भैया कैसा लगा? ये है एक रूम, और ये यासी। है फिर ये रूम। वाह, यशी जब आ रही थी ना ऐसे तो वो समझ रहा था। अरे तो यार हद होती है, कॉल कर रहा है, ये आगे चल रहे थे हम 20 बजे, अरे जो रुक रहे हैं ब्रो, फिर कॉल कर रहा है ऋषिकेश रुक रहे हैं। हाँ यार लखन बहुत गड़बड़ करिए। कॉल करा हरिद्वार, हरिद्वार पहुंचने वाले बस वहीं रुकेंगे। फिर कॉल करा बोल भाई मस्त आइडिया है, देहरादून चल रहे हैं। ये तो कुछ भी बोलते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस सोऊंगी। वाओ, और ये देखो कितना सुंदर है यार, आई मीन सीरियसली वॉशरूम में कितना क्लीन है, नीट एंड क्लीन, नाइस। गाइज मेरा ये जो हालत हुई है ना ये एक चीज का नतीजा है, वो जब हमने उनको बताया कि हमने उनके साथ प्रैंक किया तो मेरी हालत हुई, इसकी क्या हालत हुई, इसकी तो बहुत गंदी हालत हुई। और उनका जो रिएक्शन था ना वो आप लोग देखोगे सुयश व्लॉग्स पे। कितने बजे भाई? 7:30 बजे टाइम से एडिट कर दियो, ठीक है? वरना जो हालत मेरी हुई है ना ये तेरी भी हो सकती है। एडिटिंग भाई ये मुझे सुबह कराएंगे। अभी तो सो जा भाई सही से। अभी हम लोगों ने पता है व्लॉग भाई कर रहे हैं ना, वैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं बहुत सारे, कल बैठ के पूरा उनको असेंबल करना पड़ेगा ना भाई। कल प्लीज एक ही जगह चलेंगे जहाँ डिसाइड हो जाए वहाँ, तीन लोकेशन चेंज होगी भाई। भगवान मालिक है यार, भगवान घुमा रहा है, मजा आ रहा है। तो बाय गाइस, मिलते हैं, और आपको बताया ना आपको लाइक करने का याद करना पड़ता है। बाय, टेक केयर, वी लव यू।